हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो पहला स्टेप जो आपको फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प करेगा, और वो है एम्बेरेस चैलेंज एंड व्यू फेल्यूर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं और आप बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं या उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई भी सेटबैक आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ द डेड एंड ऑफ योर लाइफ, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आपके अंदर बार बार ये बिलीव आ रहा है कि शायद मैं गुड इनफ नहीं हूं कि मैं सक्सेस पा सकूं, यही चीजें अगर ग्रोथ माइंडसेट के पीपल के साथ होती हैं, उनके सामने अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो उन चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके चलते हैं। अगर वो फेल होते हैं या उनको सेटबैक्स मिलते हैं तो वो उनको एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेकर के चलते हैं, और उस फीडबैक को वो आने वाले टास्क में अप्लाई करते हैं और सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं। पहली चीज जो आपने करनी है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आपने जिस तरीके से अपना काम किया है उसके हर एक स्टेप को वापस से देखें, और जहां जहां मिस्टेक हुई है अब आने वाले काम में उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। दूसरी चीज, अपने आप से क्वेश्चंस करते चलें। What can I learn from this experience? Because हर एक experience हमको एक अच्छी learning दे करके जाता है। तो आप अगर अपनी mistake से learning create कर रहे हैं और उस learning को आगे apply कर रहे हैं अपने improvement के लिए, तो वो आपकी learning आपका best experience है। और number 3, how can I apply this knowledge in future? कैसे मैं अपनी लर्निंग को, जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किए हैं, अब आने वाले टास्क में मैं इसको अप्लाई करके एक बेहतर टास्क कर सकता हूं और अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। सो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।